हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में बीजेपी पदाधिकारियों की बैठक हुई। इस बैठक में बीजेपी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सौदान सिंह मौजूद रहे। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सुरेश कश्यप, सीएम जयराम ठाकुर भी शामिल रहे। आपको जानकारी ये भी दे दें कि इस बैठक में प्रभारी अविनाश राय खन्ना, सह प्रभारी संजय टंडन भी शामिल रहे और संगठन से संबंधित कई मुद्दों को लेकर इस बैठक में चर्चा फिलहाल हुई। आपको ये भी बता दें कि आगामी उपचुनावों को लेकर इस बैठक में मंथन और कई मुद्दों को लेकर मंथन हुआ। तो इसी खबर पर हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए न्यूज रूम से मेरे सहयोगी अंकुश डोभाल लाइव जुड़ चुके हैं। अंकुश, बीजेपी पदाधिकारियों की बैठक बेहद खास है क्योंकि कई मुद्दों को लेकर इस बैठक में चर्चा की गई, अंदर ही अंदर इसके अलावा और क्या कुछ इस बैठक में चर्चा की गई? जी बिल्कुल, देखिए महिमा, कोरोना काल में ये दूसरी बैठक थी जहां पर सौदान सिंह जो है वो विशेष रूप से मौजूद बीजेपी की बैठक में रहे। और जब भी सौदान सिंह हिमाचल प्रदेश आते हैं तो निश्चित तौर पर जो खलबली होती है भाजपा की सरकार में और संगठन में दोनों तरफ मच जाती है। और जिस तरह से बीजेपी बात कर रही है कि तमाम जो उनके कार्यक्रम थे, चाहे पन्ना प्रमुख कार्यक्रम की बात हो या फिर अन्य कार्यक्रमों की बात हुई, उसको लेकर चर्चा हुई है। इसके अलावा 2 अक्टूबर जो गांधी जयंती है उस पर जो है विशेष अभियान जो है वो भाजपा चलाएगी और हर पंचायत में सफाई अभियान चलाया जाएगा। और इस तरह के अन्य कार्यक्रमों की भी जो है वो जानकारी दी गई है। स्वर्णिम रथ यात्रा लगातार हिमाचल प्रदेश बात कर रहा है क्योंकि 50 साल हिमाचल प्रदेश के गठन को हो चुके हैं। ऐसे में तमाम जो 68 विधानसभा क्षेत्र है वहां पर इस यात्रा को निकालने की तैयारी चल रही है। हालांकि इस पर लगातार संशय बना हुआ है क्योंकि कोरोना की वजह से अब तक ये तैयारियां पूरी नहीं हो सकी है। लेकिन जो मुख्य बात है इस बैठक में वो ये है कि इस बैठक में सौदान सिंह जब आए हैं तो वो संगठन और सरकार दोनों के जो काम काज है उसका फीडबैक जो है वो केंद्र को देंगे और केंद्र को फीडबैक दिया जाएगा। कोरोना काल में दूसरी बैठक है। इससे पहले जब सौदान सिंह बैठक लेने के लिए आए थे तो सरकार और संगठन के कार्यों का फीडबैक केंद्र तक दिया गया था और आज भी ये बैठक का जो भी यहाँ पर फीडबैक मिलेगा सौदान सिंह को उसके बाद जो है वो केंद्र को लेकर ये फीडबैक लेकर जाएंगे। ये बैठक फिलहाल खत्म हो चुकी है। छोटी टोली, जिसे बीजेपी छोटी टोली कहती है, और वो कोर ग्रुप की बैठक होती है जिसमें संगठन मंत्री पवन राणा, सौदान सिंह, अविनाश राय खन्ना, संजय टंडन और अन्य पदाधिकारी जो महासचिव है हिमाचल भाजपा के वो मौजूद हैं। और जो तमाम चीजें तय हुई है आज बैठक में उसे अंतिम रूप देने के लिए बैठक की जा रही है। निश्चित तौर पर खलबली मचना तय है क्योंकि सौदान सिंह आए हैं और केंद्र को भी निश्चित तौर पर फीडबैक दिया जाएगा। महिमा, पूर्ण ये बैठक है अंकुश डोभाल, और कहा यह भी जा रहा है कि इस बैठक के बाद छोटी टोली की भी बैठक फिलहाल शुरू हो चुकी है, उसको लेकर क्या कुछ अपडेट? जी बिल्कुल, देखिए जैसे मैंने आपको बताया कि छोटी टोली की बैठक शुरू हो गई है। संगठन मंत्री पवन राणा और सौदान सिंह जो विशेष रूप से दिल्ली से यहाँ पर पहुंचे हैं वो इसमें मौजूद है। जो दिन भर तय हुआ बैठक में, एक लंबी बैठक 11 बजे से लगातार तकरीबन शाम 5-5:30 बजे तक चलती रही, 5-6 घंटे जो भी आपस में जो तय हुआ सलाह मशवरा हुआ उसे अब जो अंतिम रूप दिया जाएगा। क्या कुछ तय होना है ये तमाम बातें जो है इस छोटी टोली की बैठक यानी कि कोर ग्रुप की बैठक में तय होगा। तो बेहद महत्वपूर्ण ये बैठक, और ऐसे में अब छोटी टोली की बैठक जो है वो शुरू हो चुकी है। शुक्रिया अंकुश डोभाल इस तमाम जानकारी के लिए। तो आपको बता दें सीएम जयराम ठाकुर की अध्यक्षता और साथ ही साथ बीजेपी सह प्रभारी भी इसमें शामिल रहे और कई मुद्दों को लेकर ये बैठक बेहद खास रही है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। हिमाचल प्रदेश बीजेपी के पदाधिकारियों की बैठक को लेकर हमारे ब्यूरो चीफ विकास शर्मा ने हिमाचल बीजेपी के मुख्य प्रवक्ता रणधीर शर्मा से खास बातचीत की है। सुनाते हैं आपको उन्होंने क्या कुछ कहा। चलिए आपको एक्सक्लूसिव इंटरव्यू भी इसके बाद दिखाएंगे। फिलहाल आपको ये जानकारी दे दें कि भारत बंद को लेकर हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर मीडिया से मुखातिब हुए। उन्होंने कहा कि हिमाचल की जनता को समझदार और शांतिप्रिय उनकी तरफ से कहा गया। सुनाते हैं आपको उन्होंने क्या कुछ कहा। इस बंद का कोई असर नहीं है, सिर्फ एक जगह जानकारी अभी तक हमको मिली है कि सीपीएम के कुछ लोगों ने रास्ता रोकने का कोई कार्यक्रम बनाया है। इसके अतिरिक्त कहीं भी अभी तक हमको सूचना नहीं है कि इस बंद का कोई असर हुआ है। मुझे इस बात की खुशी है कि हिमाचल के लोग शांतिप्रिय हैं, सारी बातों को समझते हैं और किसानों के हित के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने जो कार्य किए हैं वो उनके दिल दिमाग में है, तो ऐसे में वो किसी के बहकावे में नहीं आएंगे, ऐसा मुझे पूरा भरोसा। हिमाचल प्रदेश में भारत बंद का मिला जुला असर देखने को मिला। प्रदेश के कई जिलों में केंद्र सरकार के खिलाफ रोष रैली निकाली गई और नारेबाजी की गई। हम आपको प्रदेश के अब अलग अलग जगहों की तस्वीरें इस वक्त दिखा रहे हैं। राजधानी शिमला से पहली तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर है जहां
रैली यहां पर निकाली गई। बता दें आपको, दूसरी तस्वीर सिरमौर जिले के नाहन से है, तीसरी तस्वीर हमीरपुर, चौथी तस्वीर शिमला के ठियोग से जहां पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए, पांचवी तस्वीर बिलासपुर जिले के स्वारघाट से है, पांवटा साहिब, नालागढ़ और ऊना समेत प्रदेश के कई जो अलग अलग जिले हैं वहां पर रोष रैली निकाली गई। तीनों कृषि कानूनों के विरोध में ये रैली निकाली गई, सरकार के खिलाफ नारेबाजी भी की गई। शिमला जिले के ठियोग में भारत बंद का असर दिखाई दिया, इसी को लेकर माकपा विधायक राकेश सिंघा ने सरकार पर जमकर निशाना साधा। सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा। लूट चली है, सेब वाले के हालात देखो, बेचारा कर्ज में डूब गया है, पैसा उसको मिलता नहीं है और जो पूरी उसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है लगातार बढ़ गई है। वहां तो राज मंडियों में मैं बोलना नहीं चाहता हूँ किसका राज चलता है, ये सरकार को भी पता होना चाहिए। लेकिन सेब का, किसान का जो सेब है, जो उसका दाम मिलना चाहिए नहीं मिल रहा है, आज भी नहीं मिल रहा। अब सरकार का दायित्व बनता है, उसकी जिम्मेवारी बनती है, अगर प्रश्न का हल करना चाहते हैं वो न्यूनता दे, हम बातचीत के लिए तैयार है, हम कभी भी सरकार के न्यूनते को नहीं ठुकराएंगे, हम उनमें से नहीं है। हर साल 27 सितंबर को विश्व पर्यटन दिवस मनाया जाता है। UNWTO की ओर से हर साल लोगों को पर्यटन के प्रति संदेश देने के लिए विश्व पर्यटन दिवस को अंतर्राष्ट्रीय पर्यवेक्षण दीक्षण भी दिवस भी मनाया जाता है। पर्यटन की बात अगर करते हैं तो हिमाचल के जिक्र के बिना ये बिल्कुल भी अधूरा है। हिमाचल प्रदेश की गोद में बसे हिमाचल पर प्रकृति ने वो नेमते बख्शी है जो कि कहीं और नहीं। विश्व पर्यटन दिवस पर आपको बताते हैं हिमाचल प्रदेश के लिए पर्यटन कितना खास है। हर साल हिमाचल प्रदेश में करीब 1 करोड़ से ज्यादा, 1,90,00,000 पर्यटक आते हैं। हिमाचल की जीडीपी में पर्यटन का करीब 7% हिस्सा है। 2 करोड़ पर्यटकों को पार करना हिमाचल प्रदेश का लक्ष्य है। 2020 में कोरोना ने दरअसल पर्यटन कारोबार की कमर तोड़ी थी। कोविड से मिले अवसाद के जख्म अब पर्यटन कारोबार मिटा रहा है। साल 2020 में 2021 की अगर बात करें तो पर्यटन कारोबार फिर पटरी पर लौट आया है। बीते 6 महीनों में 32,00,000 पर्यटक हिमाचल प्रदेश पहुंचे हैं। फिर खुले स्कूल, अब इसके बारे में बातचीत करते हैं। हिमाचल प्रदेश में स्कूल फिर खुल चुके हैं, स्कूलों में एक बार फिर से वापस रौनक लौट आई और ऐसे में हम आपको प्रदेश के अब 6 अलग अलग तस्वीरें फिलहाल दिखा रहे हैं। नाहन से पहली तस्वीर, कुल्लू जिले और मंडी, हमीरपुर, नूरपुर, नालागढ़ की तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर है। बता दें आपको कि प्रदेश सरकार की तरफ से अब स्कूलों को खोलने की अनुमति फिलहाल दे दी गई है और शुरुआत के 3 दिन में 10वीं और 12वीं की क्लासेस लगेंगी और हफ्ते के आखिरी 3 दिन में यानी कि वीरवार, शुक्रवार और शनिवार को 9वीं और 11वीं की क्लासेस लगेंगी। वहीं स्कूल में आए बच्चों और टीचर्स का क्या कुछ कहना है, अब आपको वो भी सुनाते हैं। अच्छा एहसास हो रहा है क्योंकि ऑनलाइन जो है वो अच्छे से पढ़ाई नहीं हो पा रही थी और स्कूल में आने के बाद जो वो टीचर सब कुछ अच्छे से एक्सप्लेन कर रहे हैं। आज पहला दिन है स्कूल का और स्कूल ऐसे लगे रहने चाहिए, बंद नहीं होने चाहिए। अभी मुझे बहुत खुशी हो रही है कि स्कूल खुल गए हैं और वैसे हमको ऑनलाइन
ऑनलाइन क्लास में इतना समझ नहीं आता था और हमको यूटिलाइजेशन नहीं होती थी कि हम किस तरीके से इस तरीके का पढ़ सकें। और अब स्कूल खुल गए हैं तो हम बढ़िया तरीके से पढ़ रहे हैं और क्या नाम, हम अपने स्कूल का भी नाम रोशन करेंगे। बच्चों को समझाया गया है कि स्कूल प्रॉपर आएँ और मास्क लगा के रखें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और अपने हैंड्स जो हैं उनको वॉश करते रहें। और स्कूल में जब अंदर आते हैं तो तीन गेट जो हैं, तीनों गेट पे बाहर आप देख रहे हैं कि हैंड वॉशिंग का अरेंजमेंट है और रनिंग वाटर है। विद इन कैंपस भी चार जगह पे हैंड वॉशिंग का अरेंजमेंट किया गया है। हम आज बहुत खुश हैं, मतलब कि जैसे स्कूल में जैसे स्टडी होती वो घर में नहीं हो पाती थी, और फिर स्कूल में भी हमारे को प्रॉपर तरीके से रहना है, मास्क प्रॉपर पहनना है, सैनिटाइज़र रखना है, खुद की पानी की बॉटल्स रखनी है और सोशल डिस्टेंसिंग रखनी है खासकर। और फिर स्कूल में हम स्टडी एकदम बढ़िया तरीके से करेंगे, प्रॉपरली क्लास अटेंड करेंगे। जैसे कि कोविड चल रहा है इसलिए स्कूल बंद थे और हम अपने टीचर के साथ ऑनलाइन क्लासेस से जुड़े हुए थे, परंतु जितना अच्छा हमें स्कूल में आके अपने टीचर के साथ फेस टू फेस पढ़ने में मज़ा आता है, उतना ऑनलाइन क्लासेस में नहीं होता है। और भी टीचर्स के साथ पढ़ने में हमें बहुत अच्छा लगता है। सर फर्क तो ज़्यादा पड़ेगा क्योंकि स्कूल में मैडमें पढ़ाती तो अच्छे समझ भी आता है और ऑनलाइन में उतना नहीं समझ आता, सिर्फ ये होता है कि मतलब करना है। जैसा कि हम 10वीं कक्षा में हुए थे तभी से हमारे स्कूल बंद है, इस कारण हमें बहुत सी दिक्कतों का सामना करना पड़े। कई जगह नेटवर्क की कमी होने के कारण बच्चों को अच्छे से पढ़ाई नहीं समझ आ रही। हमारी बोर्ड की कक्षा है इसलिए हमें बहुत सी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। घर घर पाठशाला भले ही उसमें काम दिया जाता था परंतु हमें इतनी अच्छी तरह से उसमें समझ नहीं आ सका। आज हमारे इतने दिनों बाद स्कूल लगे हैं तो मुझे स्कूल में आकर पढ़कर बहुत अच्छा लग रहा है। और पहले हमें ऑनलाइन और हर घर पाठशाला में बहुत सी दिक्कतें आती थी, आज जब हम स्कूल आए और फेस टू फेस टीचर्स से हमने क्वेश्चन किए, उन्होंने हमें अपने टॉपिक बताए तो हमें काफ़ी ज़्यादा अच्छे से समझ में आया है। हिमाचल प्रदेश के सोलन में विशाल चौधरी ने यूपीएससी एग्जाम में 665वां रैंक हासिल किया। विशाल ने बताया कि एग्जाम पास करने के लिए डेडिकेटेड कैंडिडेट और डेडिकेशन, डिसिप्लिन और पेशेंस होना बेहद जरूरी है। हासिल के साथ साथ मैंने यूपीएससी की तैयारी की, जो कि मैंने कोचिंग तो ली थी लेकिन उसके बाद मेरा सेल्फ स्टडी का ही रूटीन था 2017 के बाद। और 17 में मैंने अपना पहला अटेम्प्ट दिया था जिसमें मेरा प्रीलिम्स 2 मार्क्स से नहीं हुआ था, जिसके बाद मुझे काफ़ी सेटबैक हुआ और काफ़ी निराश भी हुआ कि क्योंकि मैंने सोचा था कि शायद पहले या दूसरे अटैम्प्ट में हो जाएगा, लेकिन पहले में 2 मार्क्स से नहीं होने के बजाय काफ़ी सेटबैक मिला। बट कंटिन्यूसली फैमिली का सपोर्ट मिला, बिकॉज़ यूपीएससी में आपसे ज़्यादा आपकी फैमिली की पेशेंस बहुत ज़रूरी है। तो उसमें मेरे फादर, मेरे मदर, ब्रदर, ग्रैंडफादर, सबका मुझे बहुत सपोर्ट मिला, खासकर मेरे फ्रेंड्स जो कि दिल्ली में मेरे साथ तैयारी कर रहे हैं और कॉलेज के फ्रेंड्स सबका। राष्ट्रीय महिला आयोग और हिमाचल राज्य महिला आयोग के संयुक्त तत्वाधान में बाल विकास परियोजना विभाग कुल्लू के देव सदन में घरेलू हिंसा अधिनियम साल 2005 के बारे में जागरूक करने के लिए कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला में विभिन्न कानूनी पहलुओं पर बाल विकास परियोजना अधिकारियों के साथ पर्यवेक्षकों को विस्तार से जानकारी भी दी गई। जिला हमीरपुर से देवर भाभी के बीच मारपीट का मामला सामने आया है। देवर के घर पर सीसीटीवी कैमरे लगाने को लेकर दोनों के बीच विवाद हो गया। देखते ही देखते विवाद इतना बढ़ गया कि देवर ने भाभी की पिटाई कर दी। तस्वीरें उसी कैमरे में दरअसल कैद हो गई, जिसे लेकर विवाद शुरू हुआ था। महिला ने मामले की शिकायत पुलिस को दी है, पुलिस ने इस पूरे मामले की जाँच शुरू कर दी है। भारतीय क्रिकेट टीम में अपने खेल का जलवा बिखेर चुके ऋषि धवन बिलासपुर पहुंचे। इस दौरान धवन ने कहा कि हिमाचल में खेल की अपार संभावनाएं हैं और वो प्रदेश में युवाओं की प्रतिभा को बढ़ावा देने के लिए मैदान बनवाने को लगातार कोशिशें भी कर रहे हैं।
तो आपको बता दें कि क्रिकेट टीम में जलवा ये भी खेल चुके हैं और इनकी तरफ से कहा गया है कि हिमाचल के युवा प्रतिभाशाली है और ऐसे में क्रिकेट को बढ़ावा देने के लिए सरकार की तरफ से कदम उठाया जाना चाहिए। मैं प्लानिंग है ही है कि मैं हिमाचल के यंगस्टर्स के लिए कुछ ना कुछ करूं, अपनी एकेडमी खोलूं, क्योंकि मंडी में हमारे पास इतनी फैसिलिटीज़ नहीं है, ग्राउंड नहीं है कोई अच्छा, तो हमारे लड़कों को जाना पड़ता है, इवन कुल्लू के बच्चों को, मंडी के बच्चों को चंडीगढ़ दिल्ली वगैरह जाना पड़ता है। तो मैं चाहता हूँ कि एक अच्छा ग्राउंड हो इस एरिए में जहाँ पे मतलब हमारे यंगस्टर्स जो हैं अच्छा अपना वर्कआउट कर सकें, अच्छी मेहनत कर सकें क्रिकेट को लेकर, और उनको अच्छा कोई कोचिंग भी उनको अच्छी तरह से मिले, तो काफ़ी अच्छा रहेगा हमारे लड़कों के लिए अगर हिमाचल में एक अच्छी अकेडमी, जैसे इस एरिया में अगर कोई अच्छी अकेडमी होगी। तो हिमाचल बीजेपी के पदाधिकारियों की बैठक को लेकर हमारे ब्यूरो चीफ विकास शर्मा ने हिमाचल बीजेपी के मुख्य प्रवक्ता रणधीर शर्मा से खास बातचीत की है, सुनिए। हिमाचल प्रदेश भाजपा के मुख्य प्रवक्ता रणधीर शर्मा, रणधीर जी क्या एजेंडा है बैठक का? आज की इस बैठक में जो पिछली कार्य समिति में संगठन ने कार्यक्रम तय किए थे उनकी समीक्षा की जा रही है, विशेष रूप से जो ये सेवा और समर्पण अभियान है जो प्रधानमंत्री जी के जन्म दिवस से 17 सितंबर से शुरू हुआ, 25 सितंबर पंडित दीनदयाल जी के उपाध्याय के दिन कार्यक्रम हुए और 2 अक्टूबर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की जयंती तक वो कार्यक्रम चलेंगे, इसलिए अभी तक जो कार्यक्रम उनकी समीक्षा हुई है और आगे जो कार्यक्रम होने हैं उनके योजना बनाई गई है, उनकी रणनीति बनाई गई है। हमने तय किया है कि 2 अक्टूबर को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की जयंती पर हर पंचायत में स्वच्छता अभियान चलाया जाएगा। अच्छा, उपचुनाव और चुनाव की बात कर लेते हैं। उपचुनाव पर ये कहा जाता है कि अब त्योहार एक सीजन जब खत्म होता है तब उसके बाद कभी भी उपचुनाव हो जाते हैं, भाजपा कितनी तैयार? भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से तैयार है। आपने देखा है पिछले कुछ महीनों से सरकारी स्तर पर भी माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने प्रवास किया है, लगभग हर विधानसभा क्षेत्र में जाकर उनके बहुत अच्छे प्रभावी कार्यक्रम हुए हैं, सिर्फ एक विधानसभा क्षेत्र बचा है, वहां वो कल जा रहे हैं किन्नौर में, और संगठन ने भी अपने स्तर पर हमारे प्रभारी जी कुछ विधानसभा क्षेत्रों पर गए हैं, सह प्रभारी कुछ विधानसभा क्षेत्रों पर गए हैं, संगठन महामंत्री कुछ विधानसभा क्षेत्रों पर गए हैं, तो हम संगठन और सरकार दोनों के स्तर पर इस उपचुनाव के लिए पूरी तरह से तैयार है। क्या तैयारियां जो है वो की गई है, क्योंकि उपचुनाव और जो 22 के चुनाव है, 2022 के चुनाव है, उसको लेकर भी अभी से भाजपा की रणनीति तैयार हो रही है। कैमरा पर्सन रोशन के साथ विकास शर्मा, जनता टीवी शिमला। इस बुलेटिन में अभी के लिए फिलहाल इतना ही, वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक, हम फौरन वापस लौट रहे हैं।